आज हम लोग महादेवी वर्मा की एक अत्यंत प्रसिद्ध कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली, इसका अध्ययन करेंगे। और यह यूडीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी शामिल है, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखें अंत तक। महादेवी वर्मा का एक काव्य संकलन प्रकाशित हुआ था सन 1936 में, जिसका नाम था सांध्य गीत। तो यह उसी काव्य संकलन से संग्रहित है, उसी में संग्रहित है। और इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने जो स्त्री का जो जीवन है उसकी तुलना बदली से की है, मतलब बादल से, कि दोनों में क्या समानताएं हैं और स्त्री के जीवन की क्या खासियत है, जैसे बादलों की क्या खासियत है। तो यार, नीर का तात्पर्य होता है, नीर मतलब पानी या फिर आंसू, नीर से तात्पर्य होता है पानी या फिर आंसू। तो सबसे पहले इस कविता को पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक स्टेंजा को यहाँ पर मैं उसकी व्याख्या करूंगा, इसलिए ध्यान से देखें। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। मेरा पगबग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभके नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। मैं क्षिति भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो यह महादेवी वर्मा जी की प्रतिनिधि रचनाओं में शामिल है और अत्यंत प्रसिद्ध कविता है, इसलिए यूजीसी नेट में भी इसको शामिल किया गया है और विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में और विभिन्न विद्यालयों में, स्कूली जो बच्चे हैं उनके पाठ्यक्रम में भी यह शामिल है। तो महादेवी वर्मा जी को जैसा कि आप जानते हैं कि वेदना या पीड़ा की कवयित्री कहा जाता है, तो यूजीसी नेट में प्राय यह प्रश्न पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा के ऊपर किस दर्शन का प्रभाव है, मतलब उनके जीवन में किस दार्शनिक दर्शन का प्रभाव है। तो वे बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। छायावाद के जितने भी कवि हुए हैं किसी न किसी दर्शन से प्रभावित है। तो महादेवी वर्मा के काव्य में जो वेदना का भाव है, जो पीड़ा का भाव है, वह कहाँ से लिया गया है? बौद्ध दर्शन से लिया गया है और यह प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान में रखें। महादेवी वर्मा के ऊपर बौद्ध दर्शन का प्रभाव है, तो इस कविता में भी वेदना का भाव बहुत ही प्रमुख है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस कविता में आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनका तात्पर्य क्या है, उनका अर्थ क्या है। तो नीर भरी मतलब, नीर मतलब पानी या आंसू, पानी या आंसू से भरी हुई, दुख की बदली मतलब दुख से निर्मित बादलों की तरह है उनका जीवन, मतलब उनके जीवन में दुख ही दुख है। स्पंदन मतलब सूक्ष्म गति मेहता, मतलब मूवमेंट जो होता है, जैसे हृदय का स्पंदन, हृदय की धड़कन, सिहरन के स्तर की गति मतलब कांपना। चिर निस्पंद मतलब स्थायी रूप से गतिहीनता, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं, स्थायी है, स्थायी रूप से पड़ा हुआ है कहीं पे। आहत विश्व मतलब दुखी संसार, यह पूरा संसार दुखमय है। स्वप्न पराग मतलब सपनों के तरह सुंदर पराग कण, जो सपने हैं उनकी तुलना की गई है पराग कणों से, पराग के कण जितने सुंदर होते हैं। दुकुल मतलब होता है दुपट्टा, मतलब चुनरी, दुकुल मतलब दुपट्टा। छाया में मतलब छत्र छाया में या प्रभाव में। मलय बयार मतलब सुगंधित वायु, हिमालय से जो आने वाली ठंडी हवा है जिसमें चंदन की खुशबू होती है, मलय बयार सुगंधित वायु। क्षितिज भ्रिकुटी मतलब क्षितिज मानो उस बदली की भ्रिकुटी के समान। क्षितिज मतलब क्या होता है? वह स्थान जहां पर आकाश और जमीन मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे कहते हैं क्षितिज, होराइजन। और यह वहां पर बदली की भ्रिकुटी के समान है, बादल मतलब क्षितिज क्या है, बदली की भ्रिकुटी मतलब भाव के समान है। धूमिल मतलब धुएं के रंग का। नव जीवन अंकुर मतलब नए जीवन के प्रतीक अंकुर के रूप में। जब बारिश होती है तो छोटे छोटे अंकुर, जो छोटे छोटे पौधे दिखाई देने लगते हैं आपको, जो बीज रहते हैं वो अंकुरित होने लगते हैं। सुधी मतलब याद या स्मृति। आगम मतलब जन्म होता है या फिर आना होता है। विस्तृत नभ मतलब विशाल आकाश रूपी संसार। कोई कोना मतलब कोई भी हिस्सा। इतिहास मतलब जीवन वृत्त। उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो जैसे जो बादल है थोड़ी देर के लिए आसमान में आते हैं फिर बरस कर चले जाते हैं, वैसे स्त्री का जीवन है, कुछ दिनों के लिए वह इस दुनिया में आती है फिर यहाँ से चली जाती है, मतलब पूरा जीवन ही ऐसा है। स्पंदन मतलब कांपना, कंपन, धड़कन, गति या कंपन। निर्झरणी मतलब नदी, सरिता, नदी या सरिता। मलय मतलब होता है चंदन, चंदन की खुशबू से युक्त जो आती है हवा उसे कहते हैं मलय बयार। अब भ्रिकुटी मतलब होता है भाव। तो मैं नीर भरी दुख की बदली,
स्पंदन में चिरण स्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। किस संदर्भ में और किस प्रसंग में है? सभी यह कविता में कोई भी स्टेंज आए, संदर्भ प्रसंग यही लिखना है आपको। महादेवी वर्मा जी की यह अत्यंत प्रसिद्ध कविता है। यह सांध्य गीत जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी, इस काव्य संग्रह में संग्रहित है। महादेवी वर्मा ने इस कविता में स्त्री के जीवन की तुलना बदली या बादल से की है। यह कविता बदली के रूपक, रूपक मतलब क्या है? एक अर्थालंकार होता है। रूपक क्या होता है? अर्थालंकार। अर्थालंकार का एक भेद जिसमें साम्य के आधार पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप किया जाता है। तो यहाँ प्रस्तुत क्या है? बादल है। अब बादल में अप्रस्तुत क्या है? मतलब महिलाओं के जीवन में जो दुख होता है, स्त्री के जीवन में जो दुख होता है, स्त्री के जीवन में जो परेशानियां होती है, जो हमको दिखाई नहीं देती, जो अप्रस्तुत होती है, उसमें बादल का आरोप किया गया है। बादल के रूपक के माध्यम से उसे व्यक्त किया गया है। इस कविता में केवल दुख ही नहीं है, बल्कि स्त्री जीवन की कुछ विशिष्टताओं को भी व्यक्त किया गया है। मतलब इस कविता में खाली वेदना और दुख ही नहीं है, बल्कि स्त्री के जीवन की क्या क्या विशेषताएं होती है उसे भी यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। तो आइए हम देखते हैं। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं आंसुओं से भरी हुई दुख की बदली के समान हूँ, है ना, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा कहती हैं मेरा जीवन जो है, जैसे जो बादल होते हैं जिसमें पानी भरा रहता है, उसी तरह मेरे जीवन में आंसू ही आंसू है, वेदना ही वेदना है। यह मैं का अर्थ केवल कवित्री से नहीं बल्कि स्त्री समाज और उसके जीवन से है। यहाँ मैं क्या है? महादेवी वर्मा केवल अपने जीवन के बारे में बात नहीं कर रही है, बल्कि सभी स्त्रियों के बारे में बात कर रही है। महादेवी बदली के रूपक के माध्यम से बताना चाहती हैं कि स्त्री के जीवन में कितना दुख है और स्त्री का जीवन किस तरह कुछ विशेषताओं से बना हुआ है। इस कविता में समानांतर रूप से बदली का अर्थ और स्त्री का अर्थ मौजूद है। हमारा समाज जो भारतीय पारंपरिक समाज है, आज भी पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए स्त्री के जीवन में कुछ चुनौतियां हैं, कुछ परेशानियां हैं। तो यहाँ पर बदली से किसकी तुलना की गई? स्त्री के जीवन की तुलना की गई है। बदली स्पंदित होती है, उसके स्पंदन न जाने कितने समय का निस्पंदन मौजूद होता है। बदली जब क्रंदन गड़गड़ाहट और बारिश के द्वारा क्रंदन करती है, मतलब उसमें जब बिजली चमकती है, तो पानी की प्रतीक्षा में दुखी संसार खुशी से हंस पड़ता है। मतलब बादल आसमान में कुछ देर तक तो स्थिर रहते हैं, उसके बाद जब उसमें मूवमेंट होता है, बहुत दिनों तक वो स्थिर रहते हैं, फिर इधर उधर जाना चालू कर देते हैं, हवाओं के द्वारा बहना चालू कर देते हैं, फिर बिजली चमकती है, फिर बारिश होती है, जिससे जीवन में खुशियों का संचार होता है। उसी प्रकार स्त्री का जीवन, स्त्री के जीवन में चाहे कितनी भी पीड़ा है या वेदना है, लेकिन वह लोगों को क्या है, खुशियां प्रदान करती है। उसकी वेदना के द्वारा, भले ही उसके जीवन में वेदना है, लेकिन उसका काम क्या है, लोगों की जिंदगी में खुशी देना है। बदली की आंखों में जब बिजली चमकती है तो मानो दीपक जल उठते हैं, उसकी पलकों में निर्झरनी सरिता मचल उठती है और बारिश होने लगती है। मतलब जब बदली बादल, जब बादल छा जाते हैं आसमान में और बिजली चमकती है, तो बिजली चमकती तो ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में आशाओं और उम्मीदों के दीप जल रहे हैं, है ना। बादल की आंखों में आशाओं के दीप जल जल रहे हैं, और जैसे ही वो दीप जलते हैं, जब बिजली चमकती है, उसके बाद बारिश होना शुरू हो जाता है, और जब बारिश होती है तो पूरी प्रकृति में हर्ष और उल्लास का माहौल आ जाता है। इस रूपक को स्त्री के जीवन के संदर्भ में समझें तो समझ सकते हैं कि स्त्री की सिहरन तक में ना जाने कितनी खामोशियों की अभिव्यक्ति होती है। जैसे स्त्री क्या है, अपने जीवन के दुख और अपनी पीड़ा और वेदना को अभिव्यक्त तो नहीं करती, लेकिन उसके आंसुओं से वह बह जाती है। मतलब भले ही स्त्री खामोश रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मन की भावनाओं को हम समझ सकते हैं। उसके दुख का उपहास इस स्तर तक किया गया है कि जब वह रोती है तब शाश्वत रूप से दुखी संसार को भी खुशी मिलती है। स्त्री की आंखों में उम्मीद की चमक हमेशा बनी रहती है और उन्हीं आंखों से वह रोती भी रही। मतलब भले ही स्त्री के जीवन में जो दुख है, जो पीड़ा है, उसका संसार उपहास करता है, लेकिन जब स्त्री रोती है तो उसका मन हल्का हो जाता है और उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक दिखाई पड़ती है। क्योंकि भले ही वह रोती रहे, भले ही वह दुखी रहे, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद और आशाओं और आकांक्षाओं की चमक हमेशा बनी रहती है, क्योंकि उसका काम क्या है, जीवन देना। जैसे बादल के द्वारा जब बारिश होती है तो जो छोटे छोटे जो बीज होते हैं उसमें से क्या निकलते हैं, पौधे निकलते हैं, अंकुरित होते हैं। वैसे स्त्री क्या है, जन्मदात्री है, लोगों को जीवन देती है, भले ही वह स्वयं में दुखी रहती है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभके नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। बदली का पग पग संगीत से भरा हुआ है। जो बिजली चमकती है, बादलों की गड़गड़ाहट होती है, जब वह चलती है तब वह अपने राग में संगीतमय ध्वनि करती हुई चलती है। बदली के छा जाने पर सांसों की तरह जो हवा चलती है, उसके प्रभाव से न जाने कितने सुगंधित सपनों का जन्म होता है।
मतलब जब बिजली चमकती है तो क्या होता है, बादलों की गड़गड़ाहट होती है तो यह संगीतमय ध्वनि करती है, और जब बादल छा जाते हैं तो बहुत ही सुगंधित हवा चलने लगती है, ऐसा लगता है कि वह बादल के सांस है, और उसके प्रभाव से न जाने कितने सुगंधित सपनों का जन्म होता है। मतलब छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनमें आशाओं और आकांक्षाओं का संचार होता है, पूरी प्रकृति में हर्षोल्लास छा जाता है, सभी तरफ खुशियां छा जाती है। बदली कहती है कि आकाश में अपने नए नए रंगों आकाश अपने नए नए रंगों से मेरे लिए दुपट्टे का निर्माण करता है, मेरी छाया में चलने वाली हवा मलय बिहार की तरह सुहावनी होती है। मतलब आपने देखा होगा जब बारिश होती है तब क्या इंद्रधनुष हमको दिखाई देते हैं, तो इसका कहने का यह है कि बदली यह कहती है कि आकाश इंद्रधनुष के द्वारा मेरे दुपट्टे का निर्माण करता है, मेरी छाया में चलने वाली मलय बिहार बहुत ही सुहावनी होती है। मतलब जब बादल छा जाते हैं तो ठंडी हवा खुशबू वाली हवा चलने लगती है, और इस तरह चारों तरफ मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। रूपक का अर्थ इस तरह खुलता है। तो जब हम स्त्री के जीवन की इससे तुलना करें तो स्त्री का जीवन कैसा होता है, स्त्री को प्रकृति ने अपेक्षाकृत अधिक कलात्मकता के साथ बनाया है। मतलब स्वाभाविक रूप से स्त्री को प्रकृति ने बहुत ही सुंदर बनाया है, उसके चलने तक में प्रकृति ने एक तरह की लयात्मकता दी है। मतलब महिलाएं जब चलती भी है तो एक खास तरह की खूबसूरती का एहसास दे जाती है, चाहे जितना भी दुख रहा हो स्त्री की सांसों में सपने जरूर पलते रहे। मतलब स्त्री चाहे कितनी भी दुखी हो लेकिन वह जीवन दान देने वाली है, वह चाहे माँ के रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे अन्य रिश्तों के रूप में, उसकी आंखों में सपने पलते हैं, है ना, जिंदगी देती है वो, रंगों की शोभा उस पर ही खिल पाई और उसकी छाया में न जाने कितने सपनों को पलने का मौका मिला। मतलब स्त्री केवल स्त्री नहीं होती बल्कि वह पुरुषों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी होती है। तो मतलब कितने सपने पलते हैं, मतलब कितने लोगों को जन्म देती है, कितने महान लोगों को जन्म देती है, जीवन देती है वह, कितने नए नए सपनों को जन्म देती है वह। स्त्री की इस भूमिका को ठीक से समझने के लिए पुरुष से उसके रिश्ते को ध्यान में रखना प्रासंगिक होगा। पुरुषों ने कला के विभिन्न माध्यमों में स्त्री का जो व्यक्तित्व तो गढ़ा, उनसे भी इन बातों की पुष्टि होती है। कलात्मक रचनाओं में बताया गया कि स्त्री सपनों को जन्म देती है, उसका साहचर्य सुगंध से भरा होता है, उसकी सुंदरता पर पुरुष न्यौछावर हो जाते हैं। तो जितनी भी आप मूर्तियां देखेंगे या फिर चित्र चित्र देखेंगे या फिर कोई कवि कविता लिखता है तो इसमें प्रायः नारी के सौंदर्य की भावना प्रमुख होती है। तो पुरुषों ने विभिन्न कलाओं के माध्यम से नारी का जो व्यक्तित्व गढ़ा है वह कलात्मक है, बहुत ही खूबसूरत है, और उसने यह बताया है कि स्त्री पुरुषों के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है, उनके सपनों को साकार करने में उन्हें मदद करती है, बहुत सारे सपनों को जन्म देती है, और उसका साहचर्य स्त्रियों को जो साथ है, जो उनका साहचर्य है, जो उनका साथ है वह बहुत ही खूबसूरत होता है, उसकी सुंदरता पर पुरुष न्यौछावर हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। तो नारी जीवन की खूबसूरती है। मैं क्षितिज भ्रीकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। धुएं की तरह बदली जब क्षितिज पर छा जाती है तब मौसम के बिगड़ने की चिंता प्रकट की जाने लगती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब बादल छा जाते हैं तो कभी कभी लोगों को लगता है कि अब तो यह धुएं की बदली छा गई क्षितिज पर, तो ऐसा लगता है अरे अब तो मौसम बिगड़ने वाला है। एक पहलू यह भी है, कुछ लोग खुश भी होते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं, अरे अब तो मौसम बिगड़ने वाला है, बारिश बारिश होने वाली है। मैं धूल कणों पर जल बनकर बरसती हूँ, मेरे बरस जाने से नए जीवन को अंकुरित होने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन इसकी खूबसूरती क्या है, बादल जब धूल के कणों पर बरसती है तो धूल के कणों के अंदर नीचे जमीन के नीचे जो छुपे हुए जो बीज हैं वे अंकुरित होने लगते हैं, तो नए जीवन की संभावनाएं उत्पन्न होती है। स्त्री के होने की संभावना से चिंता प्रकट की जाने लगती है, मगर मनुष्य को सृष्टि को नवजीवन प्रदान करने में उसकी भूमिका सबसे बड़ी है। तो जब कोई बच्ची जन्म लेती है तो पुरुष प्रधान समाज में यह समझा जाता है कि अरे फिर तो बेटी आ गई, अब इसको हमको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, और इसका जो है बहुत ही इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो जीवन भर ऐसा लगता है कि कहाँ से बेटी पैदा हो गई मेरे घर। लेकिन मनुष्य को जन्म देने वाली है ना, सृष्टि को नवजीवन प्रदान करने वाली कौन है, स्त्री होती है। इसीलिए स्त्री की तुलना बादलों से की गई, बादल भी नवजीवन प्रदान करते हैं। जब बिजली चमकती है तो जो जड़ों में, पौधों की जड़ों में जो नाइट्रोजन के जो ग्रंथियां होती हैं वो खुल जाती हैं, नाइट्रोजन उत्पन्न होने लगता है, उर्वरकता बढ़ती है धरती की बिजली चमकती है। तो वैसे ही स्त्री का जीवन भी उर्वरक होता है, वह लोगों को जन्म देती है, नवजीवन प्रदान करती है। लेकिन जब वह पैदा होती है तो लोगों को बहुत प्राय पुरुष प्रधान समाज में अब समझा जाता है कि अरे कहाँ से फिर से बेटी पैदा होगी। पद को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत किली। तो जिस प्रकार बदली छाती है, आकाश में चलती है और बरस जाती है,
मगर वह अपने रास्ते को कभी भी मलिन नहीं करती। उसके चले जाने के बाद आकाश मार्ग एकदम साफ सुथरा नजर आता है। अपने पद चिन्हों को छोड़ते जाने का अहंकार भी उसमें नहीं है। लेकिन यह सच है कि मेरे आने की स्मृति संसार को सुख की सिहरन से भर देती है। स्त्री संसार में आती है मगर उसकी भूमिका दर्ज नहीं की जाती। पुरुषों के नाम और काम याद रखे जाते हैं, लेकिन स्त्री के आगमन को जब जब याद किया गया एक सुखद रोमांच की अनुभूति होती है। मतलब जब बादल आसमान में छाते हैं कुछ देर के लिए, फिर बरस कर चले जाते हैं, फिर आसमान फिर से साफ हो जाता है। मतलब बादल का काम आकाश मार्ग को गंदा करना नहीं है, मलिन करना नहीं है, लेकिन उसके आने से पूरी दुनिया खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, नवजीवन का संचार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार स्त्री का जब आगमन होता है, भले ही पल भर के लिए ऐसा लगता है कि बेटी पैदा हो गई, लेकिन जब वह स्त्री आती है तो लोगों के जीवन में खुशियों का संचार कर देती है। वह न केवल अपने मायके में बल्कि ससुराल में भी दो दो घरों में उजाला फैला देती है। लेकिन इसके बावजूद भी स्त्री की जो भूमिका है वह दर्ज नहीं की जाती। उसके नाम से कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होता है ना। पुरुषों के पूरे काम को याद रखा जाता है कि इन्होंने क्या किया है, लेकिन स्त्रियों के काम को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जैसे जो हाउस वाइफ है वो दिन भर घर के कामकाज में लगी रहती है, लेकिन उन्हें बोला जाता है कि तुम घर में करती क्या हो, दिन भर तो घर में रहती हो। तो इस प्रकार, लेकिन इन सब के बावजूद भी एक स्त्री का आना मतलब एक नव जीवन का संचार होता है, क्योंकि वह जन्म देने वाली जन्मदात्री है माँ के रूप में। तो जब भी स्त्री के आगमन को याद किया जाएगा एक सुखद रोमांच की अनुभूति होती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी भूमिका कहीं दर्ज नहीं की जाती। उसे कोई उसके योगदान को हमेशा बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी आज चली। मतलब इस विस्तृत आकाश का कोई कोना बदली के नाम दर्ज नहीं हो सका। उसका परिचय और इतिहास बस इतना ही रहा कि वह कल उमड़ी थी और आज मिट गई। मतलब जो बादल हैं थोड़ी देर के लिए आसमान पर छाते हैं, फिर बरस कर गायब हो जाते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता कि आसमान पर बादल छाए हुए थे और वह बरस कर चला गया। लेकिन बस उसका इतिहास कितना, उसका परिचय कितना है कि कल बादल उमड़ा था और आज बादल गायब हो गया। इसी प्रकार स्त्री भी अधिकार विहीन रही। इस विस्तृत संसार में वह अनेक अधिकारों से वंचित रही। जिन अधिकारों को प्राप्त कर पुरुष अपने को इतिहास में बनाए रख सका, उन अधिकारों से वंचित रहने के कारण स्त्री के हिस्से में अमरता नहीं आई। वह मौजूद तो रही मगर दर्ज न हो सकी। उसका परिचय और इतिहास ही इतना रहा कि वह किसी पुरुष के नाम से पहचानी गई। उसके बारे में बस इतना ही सच रहा कि उसका जन्म हुआ था और फिर उसकी मृत्यु हो गई। उसके जीवन की भूमिका अलिखित रह गई। तो जिस प्रकार बादल जब आसमान पर छाते हैं तो थोड़ी देर के लिए वे हमको दिखाई देते हैं, फिर बरस कर गायब हो जाते हैं। उनका कोई चिन्ह मौजूद नहीं रहता कहीं पर आसमान में। मतलब आसमान का कोई हिस्सा किसी बादल का अपना नहीं होता, उसको छोड़कर गायब हो जाना पड़ता है। उसी प्रकार इस पुरुष प्रधान समाज में जो स्त्री की भूमिका हमेशा ही अलिखित रह गई, उसे कोई महत्व प्रदान नहीं किया गया, न ही उसके नाम से कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी रही। तो इसके कारण वह पुरुषों की तरह इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं कर सकी और जीवन भर वह पुरुषों के नाम से पहचानी गई कि यह इसकी बेटी है, यह इसकी पत्नी है, यह इसकी माँ है। उसका स्वयं की कोई पहचान निर्मित नहीं कर पाई। बस इतना यह सच है कि उसने जन्म लिया था और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बावजूद उसने बहुत से लोगों को जन्म भी दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी जो भूमिका को इतिहास में दर्ज नहीं किया गया, उसके महत्व को कभी सम्मानजनक ढंग से नहीं देखा गया, उसकी भूमिका को कभी सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं हुआ। तो अब इस कविता के कुछ इस तरह महादेवी वर्मा ने इस कविता में बदली के रूपक मतलब बदली के माध्यम से, बदली से तुलना करते हुए स्त्री के जीवन को दुख को व्यक्त किया गया है। और यह दुख उन्होंने कहाँ से लिया है? बौद्ध दर्शन से लिया है। इन पर बौद्ध दर्शन का बहुत ही गहरा प्रभाव है। समाज के द्वारा जो उपेक्षा मिली है उसका भाव प्रमाण भावुक चित्रण इस कविता की विशेषता है। मतलब समाज के द्वारा स्त्रियों को जो उपेक्षा मिलती है, जो अपमान मिलता है, जो दुख मिलता है, उस वेदना का चित्रण इस कविता की विशेषता है। महादेवी इसमें केवल दुख का बयान करके रुक नहीं जाती, बल्कि वह स्त्री के सकारात्मक भूमिका को भी बताती हुई चलती है। मतलब यहाँ पर उन्होंने दो बातें बताई है कि स्त्री के जीवन में कितनी वेदना है, कितना दुख है, कितनी पीड़ा है। इसके बावजूद भी उसका मुख्य कार्य क्या है? लोगों के सपनों को साकार करना। जैसे अंकुरित होते हैं पौधे, वैसे ही नव जीवन देना है ना, माँ की भूमिका। तो इस प्रकार वे स्त्री की सकारात्मक भूमिका को भी बताते हुए चलते हैं। काव्य सौष्ठव इस कविता की क्या खासियत है, क्या विशेषता है? यह कविता बदली के रूपक में स्त्री जीवन की परेशानियों और विशिष्टताओं को व्यक्त करती है। मतलब बदली के माध्यम से, बदली से तुलना करते हुए इस कविता में स्त्री जीवन की परेशानियों
और उसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इस कविता में केवल दुख ही नहीं है बल्कि स्त्री जीवन की कुछ विशिष्टताओं को भी व्यक्त किया गया है। तो इस कविता में केवल दुख ही दुख नहीं है, पीड़ा ही पीड़ा नहीं है, बल्कि स्त्री के जीवन की महानता को भी, विशेषताओं को भी अभिव्यक्ति प्रदान करने का प्रयास किया है कवित्री ने। महादेवी वर्मा जी की इस कविता को बहुत प्रसिद्धि मिली, इसे उनकी प्रतिनिधि कविता के तौर पर पहचाना गया। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता है, इसे उनकी प्रतिनिधि कविता कहा जाता है। पूरी कविता में 16-16 मात्राओं की पंक्तियों का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक पंक्तियों में जो मात्राएं हैं वे 16-16 मात्राएं हैं। तो इस तरह आप लोगों ने इसे भली भांति समझ लिया होगा। यदि मेरा आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें, और इसका जो नोट्स है पीडीएफ का, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।